आलमगीर शोहरत याफ्ता स्टार मिथुन चक्रवर्ती की 73वीं यौम पैदाइश पर यानी बर्थडे पर तौफीक एसोसिएशन की जानिब से एक अजीम शान प्रोग्राम M3 स्टूडियो गांधी भवन नामपल्ली में मुनक्किद किया गया था। इस बर्थडे के जश्न में सिंगर्स ने अपने नगमों के जरिए मिथुन चक्रवर्ती से अपनी ज़बरदस्त मोहब्बत का इजहार किया और उस प्रोग्राम में शायखीन आवाज़ की कसीर तादाद मौजूद थी और उस प्रोग्राम के अख्ताम पर मिथुन चक्रवर्ती के बर्थडे का केक काटा गया और आने वाले मेहमानों की शाल पोशी की गई। तो ये देखते हैं इस जश्न के मनाजिर और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। हैदराबाद की आन बान शान शेख इफ्तार जो आरडी बर्मन साहब के गीत दादागिरी के नाम से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जिले में ऊपर आइए आप बैठ जाना ये गाने का पूरा मंसूर मुकेश मैंने आपका दोस्त भिक्षा और भी बहुत सारे सिंगर है मोहम्मद अवास साहब के सभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्लेट से क्या देखा प्लेट से तो प्लेट्स को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करिए इसको भाई सदा सदा भाई वेलकम दादा हमारे नसीब अना भाई एक प्यारी सी तस्वीर हो जाए ग्रुप की इसके बाद ये लोग भी आ रहे जिन्हें आगे आई अफसर भाई प्लीज कम अफसर भाई मैं किसी को भूला तो माफी चाहता हूँ हमारे जिन्हें जितने भी दोस्त हैं अभी मत काटिए फोटो लीजिए पहले थोड़े से अफसर भाई आइए अरे नवाज भाई आइए ना नरसिंह ना इधर से आइए सदा भाई आइए नहीं है कपिल भाई शाम के साथ आ रहे हैं दोस्तों आज का ये जो प्रोग्राम है ये मिथुन चक्रवर्ती फैन टॉपिक एसोसिएशन की तरफ से हर साल 22 या 23-24 साल से कुछ मनाया जाता है कंटिन्यू नॉन स्टॉप टॉपिक भाई मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े फैन हैं हैदराबाद में जो बता नहीं सकता मैं दादा के लिए हमेशा कोई भी प्रॉब्लम रहे तो एक एक नाइट मिस नहीं करते मिथुन रहती नहीं साथ कर रहे टॉपिक भाई प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के टॉपिक भाई आप कुछ कहेंगे मिथुन दादी बारे में भाई क्या बोलो दूर दूर से मिथुन चक्रवर्ती के जितने फैंस हैं वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त देख रही है अब यहाँ पर हम मिथुन दा का केक काटेंगे और उसकी लंबी उम्र के लिए उसकी फैमिली के लिए दुआ देंगे और बहुत कुछ मिलना चाहता हूँ। ये तो मुबारक बात देने दादा को दादा का अक्सर इतने साथ से हालांकि बीच में प्रॉब्लम नहीं आता उस टाइम भी हैदराबाद में किए थे तो दादा तक अगर जाता है उनके मैनेजर साहब विजय साहब जो उपाध्याय साहब हैं वो अक्सर इनको कॉन्टेक्ट करते थे दादा से इंट्रोडक्शन करते रहते हैं दादा हैदराबाद कभी भी आते हैं तो इनसे मिलते हैं और उनके मेकअप मैन भी हैं अल्ताफ अल्ताफ साहब जो भी इनको कॉन्टेक्ट करते हैं दादा को देखते बजाय तो भी जाओ वहाँ क्या करें बात करें संदीप वर्मा वो भी मिथुन दा के बहुत खास दोस्त है वो भी मेरे को भरोसा देते हैं कहते हैं वो भाई इससे पहले शादी खानों में हॉस्टल के अंदर कहाँ कहाँ की तरह तरह की जगह पर बर्थडे करता हूँ दादा का हमेशा हर साल मुझे दादा को मालूम है वो भी मेरे को अच्छी तरीके देखते हैं पसंद करते हैं बहुत यहाँ पर पूछते हैं मतलब हम तो अभी बर्थडे कर रहा है क्या बोलिए तो अभी हाल ही में मैं 21, 22, 23 को बॉम्बे में काम है उनसे मिल के आकर ये केक काट रहा हूँ उनके लिए और ये केक काट कर मैं उनके लिए उनकी लंबी उम्र के लिए और इसी तरह हम ये काटते रहेंगे हमेशा दादा के लिए वहाँ को एक दिन हम इस होटल वगैरह को बुलाकर
उनके हाथों से केक कटाइए। मैं हैदराबाद सिकंदराबाद के जितने भी मिथुन के फैंस हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर और भी भाई हो गए यहाँ पर जो ये बड़े को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कई घंटों से तरह तरह से लोग आए हैं पूरे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच मिथुन दादा, आप सभी के लिए क्या बात है।